हेलो दोस्तों, मैं फैसल। हम सफ़र की नई वीडियो में आपका स्वागत। आज इस वीडियो में बात करेंगे इसकी स्मार्ट की के हिडन फीचर्स के बारे में। तो ये इसकी स्मार्ट की है, आप देख सकते हो। तो इसके पहले फीचर जो कि इसका कॉमन फीचर, आप देख सकते हो, लॉक हो जाएगी गाड़ी, अनलॉक हो जाएगी। तो ये इसका पहला फीचर जो सबको पता ही होगा, कॉमन फीचर है। अब इसके अगले फीचर की तरफ बढ़ते हैं जो कि इसका अनलॉक फीचर। और अगर आपने अनलॉक करी गाड़ी, एक बार क्लिक किया इस पर, तो आपका सिर्फ ये वाला दरवाज़ा ओपन होगा जो कि है ड्राइवर वाला। ये वाला दरवाज़ा सिर्फ एक बार अनलॉक से देख लो, ऐसे लॉक हो, ये अनलॉक हो गया, ये वाला नहीं खुलेगा, देख लो। अगर आपने इसे ही दूसरी बार प्रेस किया तो आपका जब जाके सारे दरवाजे खुल जाएंगे, ये भी खुल जाएगा और आपको दिखा देता हूँ डिग्गी भी खुल जाएगी इसे एक अनलॉक दो बार दबाने से। देख लो, ऐसे पूरी डिग्गी ओपन हो चुकी है। तो ये था इसका एक ये वाला फ़ीचर। अब इसके दूसरे फीचर की बात कर लें जो कि इसका रिक्वेस्ट सेंसर। अगर गाड़ी की चाबी इतनी दूरी पे है जब जाके, तो अगर आपको मतलब लगा लो, ये सबको पता ही होगा, ये भी कॉमन ही है, अगर आपकी गाड़ी की चाबी जेब में है, जेब में रख देता हूँ, तो आप रिक्वेस्ट सेंसर दबाइए और गाड़ी लॉक हो जाएगी। नहीं, दरवाज़ा खुल रहा है, दरवाज़ा उधर का खुल रहा है तो वो शो कर रहा है, आपकी गाड़ी जेब में है तो रिक्वेस्ट सेंसर दबाइए। ये रहा, जैसे कि आप देख सकते हो, ये रहा छोटा सा रिक्वेस्ट सेंसर, इसे दबाओ और गाड़ी लॉक हो गई। और इसे ही दबाओ, एक बार दबाओगे तो गाड़ी खुल जाएगी, सिर्फ ये वाला दरवाज़ा खुलेगा एक बार दबाने से, हो जाएगा। अगर दो बार दबा दो एक साथ, देख लो, एक दो, तो ये वाला भी खुल गया, ये वाला भी खुल गया और डिग्गी भी खुल गई, तो सारे दरवाजे खुल जाएंगे। तो ये था एक इसका फ़ीचर। अब इस की के बारे में बता दूँ इसके अगले फ़ीचर की तरफ। और मैंने चाबी रख दी, देख लो कितनी दूरी पर, हाँ रख दी मैंने यहाँ पे, इधर देख लो, चाबी इधर रख रखी है और इधर गाड़ी है अपनी। अब इसके सेफ्टी फ़ीचर का ये फंक्शन देख लो, अगर वो टू चाबी और ये रहा है, अगर रिक्वेस्ट सेंसर तो खोलने की कोशिश करूँगा, अगर चोरी वोरी भाई कोई कर रहा होगा गाड़ी पास में, तो ये जब भी नहीं खुलेगी। देख लो, ये देख लो, अंदर कुछ भी नहीं, दरवाज़ा नहीं खुला। और पीछे ट्रेन की आवाज़ आ रही है, तो भाई माइंड मत करना, यहाँ पास में ट्रेन की पटरी है। तो देख लो, नहीं खुला, देख लो कितनी दूरी पर। तो ये इसका एक हिडन फीचर ये हो गया। तो अब इसके नेक्स्ट फीचर की बात करें जो कि है इसका बेस्ट फीचर। आपको इसमें पता भी नहीं चलेगा कि इसमें चाबी भी है, मतलब ये अगर लगा लो आपकी गाड़ी कहीं गांव वाँव में फंस गई और इसकी बैटरी डाउन हो गई हो, लगा लो इसकी बैटरी डाउन हो गई हो और आपको कहीं बैटरी ना मिल रही हो खुलने के लिए, तो इसमें एक चाबी भी है जो कि है ये वाली, ये आपको फिट है अंदर की तरफ, आप इस गाड़ी को अनलॉक कर सकते हो इस चाबी से। आपको अभी खोल के दिखा देता हूँ, मेरे साथ कोई है नहीं तो अभी दिखा देता हूँ आपको, ट्राइपॉड सेट करके एक बार सेट कर लेता हूँ यहाँ, फिर आपको दिखा देता हूँ इसका फीचर। तो आप देख सकते हो ये इसकी स्मार्ट की है। आप अगर देखोगे तो इसमें बता नहीं सकते कि इसमें आपको चाबी मिलती या नहीं मिलती। तो एक बार इसको बताता हूँ, इसमें टेप लगा रखी है मैंने जिससे स्क्रैच ना पड़े इस पर। तो इसे एक बार लेफ्ट साइड में स्लाइड करोगे, यहाँ छोटा सा बटन है, ये रहा आपको दिखा दूँ, तो ये रहा एक बटन, इसे लेफ्ट साइड में पुश करेंगे और इसे निकाल देंगे बाहर पुश करके ऐसे। तो अगर आपकी गाड़ी की इसकी बैटरी डाउन हो गई है, बैटरी डाउन हो गई है और आपको गाँव में अनलॉक करनी है, गाड़ी कहीं फंस गई आपकी गाड़ी, इसको बैटरी नहीं मिल रही, सेल नहीं मिल रहा, तो इसकी आपके पास सेकंड चाबी भी नहीं है, तो आप इससे अनलॉक कर सकते हो अपनी गाड़ी को। तो दिखा देता हूँ आपको कैसे अनलॉक होगी इस चाबी से भी। तो आपको इस चाबी से भी दिखा देता हूँ अनलॉक, लॉक का देख लो एक बार, जूम कर पा रहे होगे, मेरा एक ही हाथ है, एक हाथ पे मोबाइल पकड़ रखा है और एक हाथ में ये। तो एक बार इस चाबी से आपको अनलॉक करके दिखा देता हूँ, देख लो ये टाइट हो चुका है ना, बाड़ा नहीं है, किसी ने चाबी लगाते नहीं जल्दी से, तो इसमें कम ही जा रहा है अंदर, अब चला गया। देख लो एक बार अनलॉक करके दिखाता हूँ, ये अपनी गाड़ी अनलॉक हो गई है, आप देख सकते हो। इस चाबी से ये भी फ़ायदा है, तो इस गाड़ी से आप अनलॉक भी कर सकते हो। और जैसे कि मैंने आपको दिखाया, इस गाड़ी से अनलॉक कर दिया है मैंने, अभी इसमें चाबी लगा दी है वापस से। तो एक बार आपको इसका अगला फीचर भी दिखा देता हूँ जो कि इसका पुश स्टार्ट बटन। आपकी अगर गाड़ी उसमें है, आप बिना चाबी के अपनी गाड़ी स्टार्ट कर सकते हैं इस की के थ्रू। यहाँ आपने देख लो गाड़ी की चाबी रख दी मैंने, और ये रहा कुछ इसका बटन पुश स्टार्ट वाला, एक बार दबाओ ब्रेक एंड क्लच से स्टार्ट हो जाएगी, दूसरी बार दबाओ तो MID पूरा चालू हो जाएगा सुजुकी का लोगों के साथ। आप देख लो, एक बार क्लच दबा दूँ आपको दिखा दूँ शो करके, तो क्लच दबा दिया मैंने और यहाँ अपना पुश स्टार्ट बटन दबा दिया, तो देख लो स्टार्ट हो गया, RPM में वो सुई ऊपर उठ चुकी है। और रेस दे के दिखाऊँ तो आपको, रेस देख लो, रेस
तो ये था, रेस देके दिखा दी। तो ये इससे भी देख लो आपकी गाड़ी चालू हो चुकी है, और इसको बंद कर देते हैं अब। यही सब फीचर्स थे, तो यही सब फीचर्स थे इस मारुति की न्यू स्मार्ट की में, जो कि हर गाड़ी में प्रोवाइड करी जाती है। अगर आपको ये वीडियो देखनी है MID वाली, जो कि MID में क्या क्या फंक्शंस है, तो आप आई बटन में जाके क्लिक करके देख सकते हैं ये वाली MID के भी फंक्शंस क्या क्या हैं, उसकी वीडियो मैंने डाल दी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और मेरी मेहनत को सपोर्ट जरूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। एक बार इसे प्रेस किया लॉक वाल, अब इसके अगले फीचर की तरफ बढ़ते हैं। तो आपको अगर इसके अगले फीचर की भूल गई गाड़ी, अरे यार, तो आपको अगर ये वीडियो यही सब फीचर्स